हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं अमृतसरी चुड़चुड़ नान, वो भी गेहूं के आटे से। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसमें 1/2 कप मैदा भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें ले सकते हैं 1/2 कप मैदा और 1/2 कप गेहूं का आटा। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून कर्ड, साथ ही इसमें हमारा जाएगा 1/4 टीस्पून सॉल्ट। मिक्स कर लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से और वाटर डालकर इसका हम एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने डो बना लिया है। डो को हम रेस्ट करने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। लिड से कवर कर देते हैं, इतने हमारा डो रेस्ट कर रहा है। इतने हम बना लेते हैं आलू की फिलिंग। स्टार्ट करते हैं फिलिंग बनाना। आज मैं आलू की फिलिंग बना रही हूँ। आप चाहें तो पनीर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने 2 आलू को बॉईल कर लिया था, उसे अब मैंने कर लिया है अच्छे से मैश। आलू को ना बहुत अच्छे से मैश करना है, बहुत जरूरी स्टेप है। अब इसमें हम साथ ही ऐड करेंगे हमारे मसाले। तो सबसे पहले इसमें हमारा जाएगा नमक। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। रेड चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, साथ ही जाएगा बारीक कटा हुआ जिंजर यानी कि अदरक, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स यानी कि बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरे धनिये से। साथ ही इसमें हम डाल लेते हैं अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स 1/4 टीस्पून, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन, तो आप जरूर डालिएगा। मिक्स कर लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से। फ्रेंड्स, आलू को मैश करते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको आलू को बहुत अच्छे से मैश करना है, उसमें बड़ा पीस ना हो। आप देख सकते हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें ना ग्रेटर का भी यूज कर सकते हैं। बहुत स्मूथ टेक्सचर बना है, क्योंकि अगर आप आलू को फिल करेंगे ना जब हम चुड़चुड़ नान में, तो फिर आलू की फिलिंग बाहर निकल जाएगी, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। हमारा मिक्सचर रेडी है, हमारा डो लग चुका है, तो अब बनाते हैं चुड़चुड़ नान। 12 मिनट हो चुके हैं, डो हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। इस पे हम थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगाकर इसे हम 1 मिनट के लिए फिर से नीट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो डो है वो बिल्कुल स्मूथ बन जाए। मैंने डो को ट्रांसफर कर लिया था बोर्ड पर और इसे अच्छे से कर लिया है नीट। अब हम इसके कर लेते हैं इक्वल पीसेस। अब मैंने एक बॉल ली है, उसे हम ड्राई फ्लावर में कोट करेंगे और रोल कर लेंगे लाइक चपाती, जैसे कि हम चपाती को रोल करते हैं ना उसी तरह से। आप देख सकते हैं मैंने चपाती को रोल कर लिया है अच्छे से। इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं खूब सारा मेल्टेड बटर। आप चाहें ना घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बटर और घी आपको अच्छे से लगाना है चपाती पे, बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर लेते हैं थोड़ा सा ड्राई फ्लावर। इससे क्या होता है ना, लेयर्स आपस में नहीं चिपकती हैं। अब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे फर्स्ट लेयर। अब इसके ऊपर जाएगी हमारी ये दूसरी लेयर। अप्लाई कर लेते हैं बटर, स्प्रिंकल कर लेते हैं थोड़ा सा ड्राई फ्लावर और इसकी ना पोजीशन चेंज करके इसे इस तरह से रोल कर लेते हैं और इसे इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सारी लेयर्स बनी है हमारी। अब हम इसे थोड़ा सा रोलिंग पिन से रोल कर लेंगे, या तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। मैंने इसे रोल कर लिया है। अब हम इसे लेंगे अपने हाथ में और इसमें रखेंगे फीलिंग खूब सारी, और थंब से फीलिंग को दबाते हुए चारों साइड्स को लेकर इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगा लेते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसके ऊपर अनियन सीड्स का भी यूज कर सकते हैं यानी कि कलौंजी। दोनों हाथों से इसे हल्का हल्का सा दबा लेते हैं और रोल कर लेते हैं। आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन लाइट हैंड से कीजिएगा, वरना क्या होगा ना, फीलिंग बाहर निकल जाएगी। चुड़चुड़ नान को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। चुड़चुड़ नान थोड़े मोटे होते हैं, पराठे की तरह पतले नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे रोल कर लिया है। मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ।
तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे ट्रांसफर कर लेते हैं तवे पर। लो मीडियम हीट पर इसे हमें कुक करना है। फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, अगर फ्लेम तेज होगी ना ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। इतने हमारा चुरचुर नान रोस्ट हो रहा है, मैं आपको एक और नान बनाकर दिखाती हूँ। फ्लिप कर लेते हैं नान को। आप देख सकते हैं जो चुरचुर नान है हमारा दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्प हो गया है। इसे क्रिस्प होने में लग गए हैं 4 से 5 मिनट ऑन लो टू मीडियम फ्लेम। तंदूरी फ्लेवर देने के लिए ना इसे हम गैस पे रोस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्लेम मेरी अभी भी लो है, तो इसे लो फ्लेम पे ही बनाना है, तेज फ्लेम नहीं करनी है। हमारा चुरचुर नान अच्छा क्रिस्प हो गया है, इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं प्लेट में और ग्रीस कर लेते हैं विद मेल्टेड बटर। अभी ये बहुत गर्म है तो इसलिए मैं इसे एक नैपकिन में लेकर क्रश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से, वाओ लुक एट दैट टेक्सचर, कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। हमारा चुरचुर नान बनकर बिल्कुल तैयार है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और साथ में जो बेल बटन दिया है उसे जरूर दबाइएगा, आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम बनाते हैं दाल मखनी, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप साबुत माँ की दाल ली थी और 1/4 कप राजमा, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। कुछ लोग साबुत माँ को साबुत उड़द भी बोलते हैं, तो इसे हमें ओवरनाइट सोक करना है। सोक करने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं हमारे कुकर में। मैंने दाल को कुकर में डाल लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच नमक, पानी, पानी इसमें तकरीबन 2 ग्लास के करीब जाएगा। गैस को हम चालू कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग, ये बहुत जरूरी है इसमें डालना। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, जिंजर, खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने लिया है 1 मोटी इलायची, 2 हरी इलायची, 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 पीस दालचीनी का। तेज पत्ता मेरे पास अभी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपके पास हो तो आप जरूर डालिएगा। कुकर को कर लेते हैं बंद और इसे फुल फ्लेम पे हम पहले एक विसल देंगे, उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे लो और इसे 12 से 15 मिनट ऑन लो फ्लेम कुक होने देंगे। ये मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया था, यानी कि ब्लांच कर लिया था। इसका अब हम पील उतार लेते हैं इस तरह से और इसे मिक्सी में डालकर ब्लेंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। अब हम बना लेते हैं हमारा तड़का। हो गए हैं, हमारी जो दाल है वो कुक हो गई है। इस स्टेज पर हम कर देते हैं फ्लेम को बंद। इसमें तकरीबन 5 से 6 मिसल आई है ऑन लो फ्लेम और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं। तड़के के लिए पैन में डाल लेते हैं 1 चम्मच घी, साथ ही इसमें जाएगा बटर। अगर हम खाली बटर डाल देंगे तो हमारा बटर जल जाएगा। हमारा घी और बटर जो है वो गरम हो गया है। इस स्टेज पर हम डाल देते हैं हमारी टमाटर की प्यूरी, जिसे हमने प्यूरी किया था, और इसे सौते कर लेते हैं, पका लेते हैं हम अपने टमाटर को फॉर 5 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। इतने हमारा टमाटर कुक हो रहा है, हम हमारी दाल चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल जो है वो बॉयल हो गई है, अच्छे से मैश हो रही है ये। इसमें से अब हम निकाल लेते हैं हमारे खड़े मसाले। मैंने खड़े मसाले निकाल लिए हैं। अब हम इसे बहुत अच्छे से मैश करेंगे, जो कि दाल की क्रीमीनेस के लिए बहुत जरूरी है।
इसे हमें बहुत ज्यादा अच्छे से मैश करना है। हम यही गलती करते हैं कि हम इसे थोड़ा सा खड़ा खड़ा रख लेते हैं, इस वजह से हमारी जो दाल है वो रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बनती। इसे हमें बहुत अच्छे से मैश करेंगे इसे, मैंने दाल को अच्छे से मैश कर लिया है। हमारा जो टमाटर है वो कुक हो गया है, उसने घी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैं कम तीखी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेते हैं दोनों चीजों को अच्छे से। आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो कितना अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं हमारी मैश्ड दाल, साथ ही ऐड कर लेंगे इसमें 1 ग्लास वाटर। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। अभी मुझे दाल थोड़ी थिक लग रही है तो मैं इसलिए इसमें 1/4 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं इसे। अब इसमें जाएगा 1/4 कप बटर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बटर को। और अब हम 10 मिनट के लिए दाल को लो फ्लेम पे कुक करेंगे, साथ ही हम बीच बीच में दाल को मैश करते रहेंगे। तो अब मैं फ्लेम को कर देती हूँ लो और इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। दस से 15 मिनट हो गए हैं, अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बीच बीच में इसे मैश कर लिया था। अब इस स्टेज पे हम डाल लेते हैं इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। मैंने सिंपल इसे तवे पर डाल लिया था और इसे थोड़ा सा भून लिया था। इसे हम इस तरह से मैश करके हमारी दाल में डाल देंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं डालनी, अदरवाइज हमारी दाल का जो फ्लेवर है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। मिक्स कर लेते हैं इसे। आप देख सकते हैं अभी से दाल कितनी क्रीमी लग रही है, ये देखिए। फ्लेम को कर देते हैं बंद। एक बार हम सीजनिंग चेक कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून। वैसे सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। अभी मैंने ली है 1/2 कप मलाई, ये होममेड मलाई है, इसे हम डाल लेते हैं। मलाई डालने की मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ फ्रेंड्स, जब भी आप मलाई डालें तो आप इस तरह से इसे छलनी में से डालें, इससे आपकी जो मलाई है वो बिल्कुल क्रीम का टेक्सचर ले लेगी और आप इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होंगे। इसे हम अच्छे से कर लेते हैं सीव। अब ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ और आप नीचे मलाई का टेक्सचर भी देख रहे हैं। हमारी मखनी दाल बनकर बिल्कुल तैयार है, सर्व कर लेते हैं इसे। दाल को मैंने सर्व कर लिया है, इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं क्रीम के साथ। इसे मैंने सीव करके रखा हुआ है जैसे मैंने वीडियो में बताया था। हमारी मखनी दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।